आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। अब गर्मी की सीजन में आलू के पराठे खाते हो क्या? मैं तो खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। चलिए ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg आलू, और आलू को हम बॉईल कर लेते हैं। सबसे पहले बस 10 मिनट में हमारे आलू बॉईल हो जाएंगे। आलू बॉईल हो चुके हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा करने के लिए। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम आलू की जो पीठी है वो बनाने के लिए हरा धनिया और लहसुन ये सबको काट लेते हैं अच्छे से। वो रेडी होने के बाद अब हम आलू को मैश कर लेते हैं। मेरे पास तो मैशर नहीं है, इस वजह से मैं ये छोटे से कटोरे का यूज कर रही हूँ। बस आलू गर्म ही रहे, मतलब आलू को बहुत ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का गर्म रहे। याद रखिएगा अपना हाथ नहीं जलाइएगा आप, तो हल्का गर्म ही हो आलू और उसे मैश कर लें। मैं तो ऐसे ही मैश करती हूँ। बस सारे आलू को मैश कर लें ऐसे ही, और जैसे ही आपके आलू मैश हो जाएं अच्छे से, अब इसमें हम हरी धनिया और लहसुन का पेस्ट हमने लिया था वो, और कटी हुई हरी मिर्च, और टेस्ट के अनुसार नमक, उन सबको अच्छे से इसमें ऐड कर लें और अच्छे से मिक्स भी कर लें। हमारी आलू तो ऐसे रेडी हो गई है। नमक थोड़ा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आलू बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और इसे बनाने के लिए आटे को गूंथ लेते हैं। आलू को मैंने साइड में रख दिया, अब आटे गूंथ लेते हैं। जैसे आप नॉर्मल आटा रोटी के लिए बनाते हैं ना, वैसा ही, बस थोड़ा गीला होना चाहिए आटा, मतलब एकदम टाइट डो ना बनाएं, नहीं तो जब मैं उसमें आलू भरूंगी ना तो वो फट जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा गीला ही डो बनाएं आटे का। और बस आलू आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लें, और जैसे देखिए मैं राउंड राउंड करके उसके बीच में आलू भर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही आप भरिए। ऐसे क्या होते हैं कि हमारी पूड़ियाँ बेलने पे फटेंगी नहीं। बहुत ज़्यादा आलू ना भरें, बहुत ज़्यादा आलू भरने से होता है ना कि पूड़ियाँ बेलने पे फटने लगती हैं, इसलिए आलू मीडियम ही भरें आटे में। इसे ऐसे चारों तरफ से गोल, मतलब दबा दें इसे, एक बार ये अच्छे से दबा दें, फिर उसके बाद आप जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे बेल लें। और तवे को मैंने गर्म कर लिया है, मतलब गर्म हो रहा है, अब बस हम इस पे पूड़ियों को डालेंगे। वैसे पूड़ी नहीं, पराठे, आलू के पराठे बन रहे हैं, तो क्योंकि हम तवे पे बना रहे हैं इसलिए जब कढ़ाई में तलते हैं हम पूड़ियों को तो उसे पूड़ियाँ बोलते हैं। वैसे तो हम तवे पे बना रहे हैं तो आलू के पराठे। अब दूसरी तरफ से इसे सेक लें, और अच्छे से ऑयल लगाकर, आप घी भी लगा सकते हैं, शुद्ध घी, मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज किया है। दोनों साइड अच्छे से ऑयल लगा लें। जैसे कि आप देख रही होंगी कि मेरी पूड़ियाँ कहीं से भी फटी हुई नहीं हैं, बहुत ही अच्छे से बन गई हैं। बस पूड़ियाँ जब अच्छे से सिक जाएं तो इसे प्लेट में निकाल लें, और मैं दूसरी पूड़ियाँ भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
जब भी आप पराठे बेल रहे हो ना, तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि हमें एक ही साइड के मतलब तरफ नहीं बेलना है, उसे चारों तरफ से मतलब इवनली बेलें, ताकि आलू होता है ना कि कहीं आलू हैं और कहीं नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसे घुमा के चारों तरफ से बेलेंगे ना, तो आलू चारों तरफ रहेंगे, और हल्के हाथों से पूरियों को बेलना है। अब बस पलट कर इस पे भी ऑयल लगा दे। कितनी अच्छी फूली हुई पराठे बन गए हमारे। बस पराठे तो बन के रेडी हैं। अब हम इसे इस टाइम अचार का सीजन है, तो अचार के साथ सर्व करेंगे। अचार आप दही का भी यूज कर सकते हैं, और मेरे रेसिपी थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कुछ समझ में